हे फ्रेंड्स, चलो आज राखी स्पेशल चॉकलेट ब्राउनी ट्राई करते हैं कि मिठाइयाँ तो बहुत खाते हैं सब लोग, तो कुछ अलग सा चॉकलेट ब्राउनी अपने भाई को बनाकर खिलाइए। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। कितना सबको सॉफ्ट सॉफ्ट सा चॉकलेट ब्राउनी बनके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक कप मैदा ले लिया है, एक मिक्सिंग बाउल बड़ा सा लेना है, उसमें एक कप मैदा लेना है। और यहाँ पर आप डार्क चॉकलेट भी मेल्ट करके डाल सकते हो कोकोआ पाउडर की जगह। तो मैं यहाँ पर कोकोआ पाउडर डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच। चीनी या 4 बड़े चम्मच आप डाल सकते हो। 2 बड़े चम्मच इसमें बटर डालना है। बटर थोड़ा मेल्टेड होना चाहिए, फ्रिज में रखा हुआ नहीं होना चाहिए। आप रूम टेम्परेचर का बटर डाल सकते हो, और या फिर आप बटर और चॉकलेट डार्क चॉकलेट को आप एक साथ मेल्ट करके भी इसमें डाल सकते हो। फिर आप कोकोआ को स्किप कर देना है। अब इसमें हमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालना है, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 पिंच सॉल्ट। अब यहाँ पर हम वॉलनट ब्राउनी बना रहे हैं, तो वॉलनट डालना तो बनता है। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारे वॉलनट को चॉप कर लिया है, 1/2 कप वॉलनट है ये, या 1/4 टीस्पून भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बारीक चॉप किया, आप अपने हिसाब से थोड़ा बड़े स्क्वायर शेप्स में भी चॉप्स कर सकते हो। थोड़ा सा दूध डालेंगे ऊपर से और सबको अच्छे से एक मिक्स करेंगे। और शुगर पाउडर डालना भूल गई हूँ मैं, तो यहाँ पर हमें 1 कप शुगर पाउडर डालना है। मतलब कि आप जितना मैदा ले रहे हो उतना ही आपको शुगर पाउडर डालना है। तो यहाँ पे मैं शुगर पाउडर भूल गई थी तो मैं अभी डाल रही हूँ। तो अगर आप डार्क चॉकलेट डाल रहे हो और आपका चॉकलेट मीठा है तो आप शुगर पाउडर थोड़ा कम डालना, और अगर आप कोकोआ पाउडर का ही बना रहे हो मेरी तरह तो आपको 1 कप शुगर पाउडर डालना पड़ेगा। तो अब इसको थोड़ा थोड़ा दूध डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसे केक की तरह ही हमें मिक्स करना है। सेम बैटर में आप केक भी बना सकते हो। तो केक में हम थोड़ा सा कर्ड या विनेगर वाला दूध ऐड करते हैं। इसमें हमने डायरेक्टली ऐसे ही दूध ऐड किया क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा स्पॉन्ज नहीं बनाना है, हम ब्राउनी बना रहे हैं, ब्राउनी में स्पॉन्ज कम रहता है। तो इसको दूध डालते जाएंगे और अच्छे से एक मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे टोटली मैंने 3/4 कप दूध लगाया है। अगर आप थोड़ा मैदा ज़्यादा ले रहे हो तो आपका दूध ज़्यादा भी लग सकता है। तो ये मिक्स रेडी है हमारा। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर शेप केक टिन ले लिया है, उसको बटर पेपर ऊपर से लगा दिया है, थोड़ा सा बटर नीचे ग्रीस करके फिर मैंने बटर पेपर रखा है ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। और इसको टैप कर देंगे हमारा ब्राउनी मिक्स जो भी है। अब ऊपर से मैं थोड़ा और वॉलनट डाल रही हूँ। अगर आपके पास चॉप्ड वॉलनट नहीं है तो आप ऐसे भी डाल सकते हो, 1/2 पीसेस में या 1 पीसेस, या फिर आप बेक करने के बाद भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मेरा रेडी है। मैंने कढ़ाई को पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया था, नीचे थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है मैंने और एक ट्रे लगा दिया है जाली। अब उस पर से मैं केक टिन रख दूंगी, ब्राउनी हमारा बेक होने देंगे इसे 20-30 मिनट्स तक। बीच में आप चेक कर लेंगे, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है टेम्परेचर के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं 30 मिनट्स बाद चेक कर रही हूँ। ये देखो हमारा वॉलनट ब्राउनी रेडी है, एकदम अच्छे से बेक हो गया है। मैं नाइफ़ डाल के चेक कर रही हूँ, इसमें नाइफ़ एकदम क्लीन निकल रही है, मतलब कि हमारा ब्राउनी रेडी है। तो यहाँ पर मेरा टिन छोटा था इसलिए थोड़ा हाइट इसका ज़्यादा बना है। एक्चुअली ब्राउनी का हाइट थोड़ा कम रहता है केक के अकॉर्डिंगली, वो थोड़ा फ्लैट होता है, बट मेरा टिन छोटा था, ऑलरेडी बैटर मेरा ऊपर तक था इसलिए मेरा ब्राउनी भी थोड़ा केक की तरह बन गया है, थोड़ा सा बड़ा शेप बन गया ये। तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल दे रही हूँ, बटर पेपर को निकाल देंगे ऊपर से। ये देखो कितना स्पॉन्ज वाला ही ब्राउनी बना है, मतलब एकदम सॉफ्ट, ज़्यादा स्पॉन्ज भी नहीं है लेकिन एकदम सॉफ्ट है। काटने से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितना सॉफ्ट है। तो मैं इसको नाइफ से कट कर लूँगी। तो आप अपने हिसाब से किसी भी शेप में कट कर सकते हो। मैं यहाँ पे 3 कट लगा रही हूँ, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली 3 कट्स लगा रही हूँ। तो मेरे 9 पीसेस ब्राउनी बन के रेडी है। ये देखो मेरा ब्राउनी कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। तो ये एकदम बड़ा है, आप इसको कट करके हाफ भी कर सकते हैं। तो फटाफट से अपने भाई को राखी पे बनाइए और खिलाइए। सर्व एंड एंजॉय। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।